थ्योरी इज गिवन बाय थॉमस कोचरैन. सो द थ्योरी गिवन बाय थॉमस कोचरैन सेंटर्ड अराउंड द सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरल supply. So the main focus of this theory is on the sociological aspect, not on the economic or technological aspect. They focus only on the sociological aspect. Sociological aspect means that it focuses on the society in which we are living. And according to him, the problem of economic development is non-economic in nature. I repeat, the problem of economic development is non-economic in nature. So he says that the economic development of a country is dependent upon the non-economic factors, and these non-economic factors are basically the factors which are related to the cultural values, role expectation, and social sanctions. That means he is saying that the problem of economic development basically is related to the cultural values, role expectation, and social sanction. So they are the key element that determines the supply of entrepreneurs. So in element ke basis pe hi country mein kitni supply hai entrepreneurs ki wo depend karti hai. Kam entrepreneurs hain तो वो भी इन्हीं फैक्टर्स की वजह से, अगर ज्यादा है तो वो भी इन्हीं सेक्टर. दैट मींस द सोसाइटी अफेक्ट द सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर. हमारी सोसाइटी कैसे डील करती है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंट्री में कितनी ज्यादा सप्लाई है एंटरप्रेन्योर्स की, कितनी ज्यादा लोग अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं. सो द फॉलोइंग आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ थॉमस कोचरैन. So number one element of Thomas Cochrane theory is entrepreneurs as a society's role personality. So according to the Thomas Cochrane, entrepreneurs jo hain, they are not a super normal individual or they are not a deviant person. They are normal person like us and they act as a role model for the society. Jo baki ke society hai वो भी उनको एज अ रोल मॉडल ट्रीट करती है और वो भी उनके जैसा बनना चाहती है. दे ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस. सो दे एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी. नाउ सेकेंड एलिमेंट इज मॉडल पर्सनालिटी एज अ डेरिवेटिव ऑफ सोशल कंडीशनिंग. सो दिस अकॉर्डिंग टू दिस एलिमेंट, सो द एंटरप्रेन्योर्स बींग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द business play as a social role. As entrepreneurs are the you can say they are the owner of the business, so they play a social role. They also have to play a social role. The role is partly shaped by the model personality and the jo unki personality hai wo kiske upar depend karti hai, unki personality depend karti hai unki social conditioning pe. उन्होंने सोसाइटी में जो जिस सोसाइटी में वहाँ रहे हैं उसने वहाँ से क्या क्या सीखा है, उनकी सोशल कंडीशनिंग कैसी हुई है. अगर जिस सोसाइटी में वो रहते हैं उनकी सोशल कंडीशनिंग जो है वो अच्छी हुई है, वहाँ पे इनोवेशन और इन्वेंशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो दैट मीन्स देयर विल बी मोर सप्लाई ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. बिकॉज मैंने आपको बताया कि एंटरप्रेन्योर्स मीन्स इट इज़ एन इनोवेटिव एक्टिविटी. तो जब जिस सोसाइटी में अगर इंडिविजुअल इनोवेटिव और इन्वेंशन को जहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती है वहाँ पे वो रह रहा है, दैट मीन्स देयर विल बी मोर एंटरप्रेन्योर्स. पीपल विल लाइक टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स. जो सप्लाई है जो एंटरप्रेन्योर्स की वो भी ज़्यादा होगी. नाउ थर्ड एलिमेंट इज रोल एक्सपेक्टेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल रोल. सो कोचरैन ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं और उसमें जो सीनियर्स हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं. देयर एक्सपेक्टेशंस आर वेल डिफाइंड. उन्होंने पहले से ही टारगेट सेट किया होता है कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन है इस एम्प्लॉय से, इस डिपार्टमेंट से. सो दे आर नोन एज डिफाइनिंग ग्रुप्स एंड एंटरप्रेन्योरल रोल इज डिफाइंड बाय देम. सो दे प्रॉपरली डिफाइन द रोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर. नेक्स्ट इज
टाइप ऑफ चाइल्ड रेयरिंग एंड स्कूलिंग. तो एक इंडिविजुअल की, एक एंटरप्रेन्योर की चाइल्ड रेयरिंग कैसी हुई है, कि वो बड़ा कैसे हुआ, उसको बड़ा कैसे किया गया है, और उसकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई है. सो द एग्जीक्यूटिव इनर कैरेक्टर इज कंडीशन बाय द चाइल्ड रेयरिंग एंड स्कूलिंग कॉमन टू द कल्चरल लीडर्स. एंड लास्ट वन इज डायनामिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. So according to him, this model trusts upon the social factors for the major change. As I told you, this theory focuses on the social factors. This is that these social factors bring a major change in the society. So the quick adoption of mechanical devices, growth of professional management and widespread application of mass production technique in the 19th century were the major transformation where the social factors seem to be operating through entrepreneurs. तो social factors जो हैं वो effect करते हैं supply of entrepreneurs in the society. जैसे 19th century में क्या हुआ था, mechanical devices आए थे, growth हुई थी professional management की, जिसकी वजह से क्या हुआ, there was a major change in the country, in the society. So this was all about the Thomas Cochrane's theory of entrepreneurial supply. Now the next theory is, so next theory is the theory of social change, and this theory was given by E.E. Higgins. So the theory emphasized that a continuing technical progress can transform the traditional society. So just continue with कंटिन्यूटी पे टेक्निकल प्रोग्रेस होगी तो जो उसकी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, वी कैन ट्रांसफॉर्म देम इनटू अ मॉडर्न सोसाइटी. सो द थ्योरी एम्फसाइजेस एंटरप्रेन्योरल क्रिएटिविटी एज द की एलिमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक चेंज. एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन कैन ओनली बी ब्रिंग इफ वी डू एंटरप्रेन्योरल क्रिएटिव एक्टिविटीज. So the feature of this theory are, number one is presentation of the general model of the society. So the theory represents a general model of the society. It depicts interrelationship among the various elements of the society as physical environment, social structure and personality culture. Next is economic growth as a product of social change and political change. So Hagen viewed economic growth as a product of social and political change. According to him, an entrepreneur is creative problem shooter. He is the one who brings about economic development, which is mingled with the political and social change. Next element is rejection of follower syndrome. So Hagen believed that solution to the economic development does not lies in imitating Western technology. He discourages the follower syndrome on the part of the entrepreneurs. See, he says that khud innovate karo, don't imitate other countries' product. This is because the technology is an integral part of socio-cultural change, and superimposition of the technology into different socio-cultural setup may not deliver the good. So he focuses on creativity rather than on imitating the product of others. Next factor is historical shift as a factor of initiating change. So Hagen viewed historical shift as a factor of initiating change. In one of his book, How Economic Growth Begins, he depicts that historic shift as the key force which has brought about social change and technological progress, and thereby leading to emergence of entrepreneurial class from the different caste and communities. As a result of this, some group develop the feeling that they are not longer valued and less regarded. So historical shift caused the inner urge in some social group to take up the entrepreneurial venture through the personality formation.
These groups thus become competent enough to take up any kind of venture. So this was the historical shift. जो पहले सोचते थे कि हमें वैल्यू नहीं करते हैं, उनको उन्होंने अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई कि जब उनकी इनर अर्ज मोटिवेट हुई ताकि वो अपना वेंचर खुद शुरू कर सकें और उनकी रिस्पेक्ट होने लगी सोसाइटी में. एंड लास्ट वन इज विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट एज द मैकेनिज्म ऑफ रिगरस एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी. सो हेगन पॉइंटेड विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट एज द की डिवाइस फॉर इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी. By withdrawing of status means a social group who is creative and isolated with the traditional values but have a strong desire to prove themselves into any area in which they can gain success and power. These desires and inner urge will take the form of innovative entrepreneurship. So in other words, Hagen identified status withdrawal as the key factor in the emergence of creative personality. So this was the theory of social change by E.E. Hagen. Thank you students for watching.